आपके शहर गढ़वा में रांची की ख्याति प्राप्त संस्थान। हमारा पता है द नेक्सस एकेडमी, नियर मंगलम टेंट हाउस, थाना के पश्चिम गढ़वा। 7004714936 या 9576144386। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद से संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। हैदरनगर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रजनीश से बीती रात्रि मारपीट की घटना से आक्रोशित हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के सभी सरकारी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी बुधवार को सुरक्षा की मांग को लेकर हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि डॉक्टर रजनीश की पिटाई करने वाले शख्स को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही सभी अस्पतालों में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हैदरनगर पीएचसी के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। मौके पर पहुंचे हुसैनाबाद एसडीपीओ विजय कुमार हड़ताली चिकित्सकों और कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने हेतु वार्ता की। पुलिस अधिकारी श्री कुमार ने हड़तालियों को आश्वासित किया कि मारपीट करने वाले दोषी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पलामू के एसपी अजय लिंडा के आदेश पर उन्होंने तत्काल हुसैनाबाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा हेतु एक सेक्शन पुलिस बल को प्रतिनियुक्त भी कर दी। एसडीपीओ विजय कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों को हर संभव सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, फिर भी समाचार भेजे जाने तक हड़ताली धरने पर डटे हुए हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एस के रवि ने बताया कि हम लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटना हो रही है। केवल इमरजेंसी सेवा ही अनुमंडलीय अस्पताल में चालू है, बाकी सभी सेवाएं ठप रहेंगी। अनिश्चितकालीन धरने में मुख्य रूप से हुसैनाबाद के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर एस के रवि, हैदरनगर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर होरो, डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद सहित सभी स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। हम लोग आज जो है अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के अंतर्गत सभी सरकारी सेवाएं को जो है से ठप कर दी गई है, क्योंकि कल जो है से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर में उपस्थित चिकित्सक जो सेवा में थे वहां को उपस्थित उनके साथ जो है से अवांछित लोगों ने जो है से मारपीट कर जानलेवा हमला किया है और उसमें कई स्वास्थ्यकर्मी भी हमारे घायल हो गए हैं, जिसको लेकर के हम लोग जो है से सरकार से प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने के लेकर के हम लोग हड़ताल पर हैं और उसमें जो भी संलिप्त व्यक्ति है उसको जो है से न्याय संगत कानून के तहत जो है से उसको गिरफ्तार कर जो है से उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का सरकार कोशिश करें, यही हम लोग का मांग है। और हम लोग सरकारी सेवा जो है इसको ठप करते हुए जो है से अनिश्चितकालीन जो है से हम लोग ठप कर रहे हैं और इसमें जो है से आकस्मिक सेवा सिर्फ अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में ही चालू रहेगा और अन्य कहीं जो है से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है से कोई सेवाएं अभी नहीं दी जाएगी। आज हुसैनाबाद मंडल के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मांगे कल की जो घटना घटी थी हैदरनगर स्वास्थ्य केंद्र में, उस संदर्भ में हम लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी उसमें शामिल लोग हैं उसके विरुद्ध उचित कानून कार्रवाई करेंगे, उसको चिन्हित किया जा रहा है। और जहाँ तक सुरक्षा का बात है, हमारे पुलिस एसपी के निर्देश पे सुरक्षा की व्यवस्था इनको दी जा रही है। ऑलरेडी हम लोग इस संदर्भ में बात हो चुकी है, तो बाकी लोगों से भी हम लोग इस माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी पुलिसकर्मी हैं या जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं या चिकित्सक हैं, वो आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको इस ढंग से घटनाएँ करना कई रूप से सामाजिक नहीं है, ये बिल्कुल असामाजिक तत्व के लोग हैं। और उनके जो भी गार्जियन हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि उनको स्वयं चिन्हित करके कानून के नज़र में सामने लाएँ, ताकि उन पर भविष्य में होने वाली कार्रवाई पर रोका जा सके। ठीक, धन्यवाद।